दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है वो मैंने अपने टीवी के साथ में शेयर कर रखा है। ये जो मेरा मोबाइल है ये वीवो का मोबाइल है और ये जो मेरा टीवी है ये मेरा रियलमी का टीवी है। लेकिन जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा, इस प्रोसेस से आप किसी भी मोबाइल को किसी भी टीवी के साथ में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपके टीवी के साथ में कोई भी सेटअप बॉक्स या डिश टीवी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको इस बात को याद रखना। और उसके बाद में आपको एक बात और ध्यान देना, आपको जिस मोबाइल की स्क्रीन अपने टीवी के साथ में शेयर करना है उस मोबाइल का इंटरनेट आपके टीवी के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, आपको इस बात को भी याद रखना है। तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वहां पर आपको मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मोबाइल का डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं। इतना ऑन करने के बाद में यहाँ पर हम अपने टीवी में सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता तो मैंने उसके लिए पहले से वीडियो बना दिया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरीके से टीवी में इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे टीवी में जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हमें प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गूगल होम एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में सिंपली आपको ओपन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपको सिंपली नोट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद में अलाउड नियर बाई डिवाइस का ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको कैंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली जो है नोट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली आपको जो है एंड्रॉयड टीवी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंड्रॉयड टीवी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली आपको कास्ट माई स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में कास्ट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आपके टीवी के साथ में शेयर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो हमारे टीवी के साथ में शेयर हो चुका है।